हेलो स्टूडेंट्स, हम वर्ल्ड वाली बुक में फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब फील्ड्स ऑफ सोशल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हमने पढ़ा था जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें हम ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी के जो हमने फील्ड्स पढ़े उसमें सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी उसके पार्ट थे। लेकिन कई बार क्वेश्चन अंदर से भी आ जाता है कि जो सोशल ज्योग्राफी एक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो, तो बहुत ही आसान है। पहले अगर एग्जाम में आता है तो हम डेफिनेशन लिख देंगे कि सोशल ज्योग्राफी इज दैट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इन विच वी स्टडी ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू सोसाइटी, जिसमें तो सामाजिक भूगोल क्या है, सामाजिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समाज से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके कुछ आगे फील्ड्स दे रखे हैं, सब फील्ड्स दे रखे हैं, उसके लिए मैंने लॉजिक बना रखा है, सारे बच्चे याद रखेंगे। BMW गाड़ी का नाम है, LG कंपनी का नाम है, और ये आपको याद करना पड़ेगा CUH। तो दिमाग में फिट कर लेना, सोशल ज्योग्राफी के सब फील्ड्स हैं BMW, LG, CUH, इसको कंप्यूटर की तरह भी आप याद कर सकते हो। तो उसके बाद इनके नाम नाम आपको याद करना है, जैसे कि बिहेवियर ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, ज्योग्राफी ऑफ जेंडर, CU कल्चरल ज्योग्राफी एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। मेन बात, नाम सब बच्चों को याद रहते हैं लेकिन वो सीक्वेंस अच्छे से याद नहीं रहता है, तो उसको याद करने का सबसे आसान तरीका है BMW, LG, CUH, यानी मेरे पास BMW गाड़ी है, LG कंपनी का कंप्यूटर है, और लास्ट में हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। अब नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो बहुत आसान है डेफिनेशन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज दैट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इन विच वी स्टडी ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक फंक्शंस। तो आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके भी हमने कुछ लॉजिक बना रखा है क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसका हमने लॉजिक बना रखा है। रुपीज इन इंटरनेशनल ATM, कि मान लीजिए मेरे पास एक ATM है और वो इंटरनेशनल है और मेरे ATM में पैसे हैं, तो रुपीज इन इंटरनेशनल ATM। तो याद करने का वही तरीका, फुल फॉर्म आप लोग को याद करनी पड़ेगी कि रिसोर्स ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ दैट इज इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, टूरिज्म ज्योग्राफी एंड मार्केटिंग ज्योग्राफी। तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, तो आप अपने माइंड में दोनों लॉजिक फिट कर लेना कि सोशल ज्योग्राफी का मतलब है BMW, LG, CUH, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब है रुपीज इन इंटरनेशनल ATM। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को इनके सब फील्ड्स याद हो गए होंगे। थैंक यू।